हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो में हम एस्ट्रोनॉमी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, ऐसे ज्योतिष हमको अगर प्रेडिक्शन ही देना है, देन इट इज नॉट व्हाट आई फील, इट इज नॉट 100% ऑफ ज्योतिष। हम लोगों को ऑब्जर्व करना है कि स्काई में प्लैनेट का मूवमेंट कैसा है। दिल्ली अगर इवनिंग आवर में आप बाहर जाते हो, देन वी मस्ट एबल टू आइडेंटिफाई द प्लैनेट्स इन द स्काई। अगर हम प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं स्काई में, देन वी आर नॉट ए रियल ज्योतिष। हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा टाइम में स्काई में कौन सा प्लैनेट आता है रेगुलरली। जैसे कि आज का डेट में अगर देखेंगे तो वी कैन सी जुपिटर एंड सैटर्न इन द नेक्स्ट आई ड्यूरिंग द नाइट टाइम। हम लोग अपना मतलब ओपन आई में देख सकते हैं, नेक्स्ट आई में देख सकते हैं विदाउट टेलीस्कोप जुपिटर एंड सैटर्न इन द स्काई, एंड वो पूरा रात भर रहते हैं। अगर आप देखना चाहोगे देन इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 8 o'clock इन द इवनिंग एंड इट कैन स्टिल कंटिन्यू थ्रू आउट द नाइट। तो एज ए ज्योतिष हम लोगों को पता होना चाहिए कि प्लैनेट्स कब स्काई में दिखाई देने वाले हैं। एंड अगर कोई पूछेगा तो हम ऑब्वियसली हम उनको बताना चाहिए जो दिस इज द वे वी कैन एबल टू ट्रेस द प्लैनेट्स इन द स्काई। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, वो वाला चीज मैं आज के वीडियो में डिस्कशन करूंगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लग्न। हम लोगों को दिल्ली में जो 12 लग्न है उसको देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ही है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है लुमिनेरी। इनिशियली हमको लुमिनेरी का प्लेसमेंट देखना है। लग्न एंड लुमिनेरी को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे देन वी कैन एबल टू ट्रेस द प्लैनेट इन दिस स्काई। देखिए, लुमिनारी में सन के साथ अगर कोई प्लैनेट्स है देन उनका देखने का चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, जैसे कि अभी सन के साथ आप देखोगे मार्स है, वेनस है, एंड मर्क्यूरी को बहुत रेयरली हम नेक्स्ट आई में ट्रेस कर सकते हैं, बट दीज प्लैनेट्स आर वेरी क्लोजली प्लेस्ड विद सन, तो आप ये प्लैनेट को देखने का चांसेस बहुत ही कम है। तो कौन सा प्लैनेट को हम इजीली देख सकते हैं, देखिए साल में कौन सा प्लैनेट रेट्रोग्रेड्स है। जब भी अभी जैसे कि हमारा जुपिटर एंड सैटर्न, ये दोनों प्लैनेट रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड का मतलब क्या है, दे आर वेरी क्लोज टू अर्थ, वो धरती के बहुत नजदीक है। तो पहला चीज है जो आपको साइन देखना है, कौन सा साइन में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस, ये दो साइन में ये रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है जे आप प्लैनेट जो साइन में है वहां से फोर्थ हाउस काउंट कीजिए। जैसे सैटर्न कैप्रिकॉन में है, उससे फोर्थ हाउस हो गया एरीज। दूसरा है आपका जुपिटर एक्वेरियस में, उसका फोर्थ हाउस हो गया टॉरस। तो एरीज एंड टॉरस लगना जब दिन में ऑपरेट होगा, ठीक है, एरीज एंड टॉरस लगना जब दिन में ऑपरेट होगा तो आप ये प्लैनेट्स को मिड हेवन में देखोगे, मतलब ये प्लैनेट 10th हाउस में जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको दिल्ली आपको पता करना है कि कौन सा लगना चल रहा है। जैसे कि अभी जैसे कि कैंसर में सन का ट्रांजिट है, तो एट दी मॉर्निंग जब मॉर्निंग होता है, लगना कैंसर का होता है। ठीक है, एट दी मॉर्निंग लगना इज कैंसर। ठीक है, उसके नॉर्मली लग्न का टाइम 2 घंटा होता है, तो जब मॉर्निंग देखोगे आप, मॉर्निंग में लगना कैंसर का होगा जो ईस्ट डिरेक्शन में रहेगा। आपका ईस्ट डिरेक्शन में जो साइन राइज होता है दैट इज लगना। सो ईस्ट डिरेक्शन में आपका कैंसर रहेगा तो ऑब्वियसली वेस्ट में रहेगा कैप्रिकॉन, तो वहां उस टाइम में मॉर्निंग में आप देखोगे सैटर्न इज सेटिंग, सन इज राइजिंग, सैटर्न इज सेटिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट जो 2 घंटे का लगना रहेगा वो रहेगा लियो, सन 12th हाउस में जाएंगे।
देन जो 2 घंटा रहेगा वर्गो सन 11th हाउस में लाए जाएंगे, देन जो 2 घंटा रहेगा लिब्रा सन 10th हाउस में जाएंगे, ठीक है, सन 10th हाउस में जाएंगे। उसी तरह जब इवनिंग में पहुंचेंगे, इवनिंग में लगना होगा कैप्रिकॉर्न का, तो उस टाइम में सन इज सेटिंग एंड दैट इज द नाइट टाइम। तो इवनिंग आवर में आप 6 या 8:30 से लेके मान लीजिए यू कैन एबल टू सी सैटर्न इन द ईस्टर्न हॉरिजन, ईस्टर्न हॉरिजन में आप देखना चालू करोगे। नेक्स्ट आ गया आपका जैसे कि एक्वेरियस का एसेंडेंट का लग्न चलेगा, तो यू कैन एबल टू ट्रेस जुपिटर इन द ईस्टर्न हॉरिजन। एंड आज का डेट में अगर बात करेंगे तो अराउंड रात के 10 बजे आप अपना जो ईस्टर्न हॉरिजन से 30 डिग्री ऊपर में यू कैन इजीली एबल टू सी जुपिटर, वन ब्राइट स्टार इज अपीयरिंग। जुपिटर एक बहुत बड़ा एक स्टार जैसा दिखाई देगा एंड वहां से थोड़ी देर दूर आपको सैटर्न दिखाई देगा, ठीक है। और एक टेक्निक आपको बताता हूं, और एक टेक्निक आपको कैसे उसको ट्रेस करना है। आप महीने में देखिए मून इज ट्रांजिटिंग एवरी साइन, तो आप हर रोज जैसे कि अभी कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस में जुपिटर एंड सैटर्न है, तो आप मून का ट्रांजिट जब कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस में जाएंगे तो उस टाइम में यू ट्राई टू फाइंड आउट द सैटर्न एंड जुपिटर इन द नाइट स्काई एंड रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स विथ मून इज मूविंग नियर टू देम क्लोजर टू देम यू कैन इजीली एबल टू फाइंड दोज प्लैनेट्स इन द स्काई। आप आराम से आसान से देख सकते हैं, ट्रेस भी कर सकते हैं, ये वाला प्लैनेट जुपिटर है, ये वाला प्लैनेट सैटर्न है, ठीक है। तो आप लग्न लुमिनरी जैसे सन मून का मूवमेंट ये सबको यूज करके यू कैन एबल टू ट्रेस द प्लैनेट इन द स्काई। एंड अभी जैसे कि हर एसेंडेंट का नेटिव दे नीड टू सी द प्लैनेट इन द नेक्स्ट आई इन द स्काई, वो प्लैनेट को देख के कुछ एनर्जी लेना चाहिए। जैसे कि अभी कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस एंड पाइसिस ये एसेंडेंट के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है क्योंकि उनका लग्नाधिपति मिड हेवन में ट्रांजिट कर रहे हैं, दे कैन एबल टू ट्रेस देम इन द नाइट स्काई। एंड मेरा ये एडवाइस रहेगा यू मस्ट गो हेड एंड टेक द एनर्जी ऑफ दोज प्लैनेट। देखिए एस्ट्रोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर प्लैनेट को आप ट्रेस नहीं कर पाओ, अगर फिजिकली अगर प्लैनेट को देखोगे यू कैन एबल टू गेन देयर एनर्जी, यू कैन एबल टू सेव योर सेल्फ विद देयर एनर्जी। इसीलिए एज ए ज्योतिष वी मस्ट नीड टू आइडेंटिफाई द प्लैनेट्स इन द नाइट स्काई। हम लोगों को ये पता होना चाहिए कैसे हमको प्लैनेट स्काई में देखना है विथ नेक्ड आई, क्योंकि एंशियंट टाइम में यही करते थे, रात में जो हमारा जो स्काई है उसको ऑब्जर्व करते थे, आकाश को ऑब्जर्व करते थे। उससे करने से आपका दो चीज होगा, पहला है आपका आकाश तत्व इंप्रूव होगा, आकाश तत्व रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को। अगर आप इट इज ए काइंड ऑफ मेडिटेशन, इफ यू आर सीइंग द नाइट स्काई फॉर फ्यू मिनट्स एटलीस्ट, आप 15 मिनट 20 मिनट अगर आप आकाश को देख के रहेंगे देन यू आर गेनिंग दैट एनर्जी, यू आर इंप्रूविंग योर विजन, तो इससे आपका पक्का आकाश तो इंप्रूव होगा। तो फ्रेंड्स दिस इज द वे हाउ यू कैन एबल टू ट्रेस द प्लैनेट इन द नाइट स्काई। लुक आउट फॉर लग्ना, लुक आउट फॉर द मून्स ट्रांजिट नियर द प्लैनेट्स एंड ट्राई टू ट्रेस देम इन द नाइट स्काई। इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट जैसे आप ये काम करना शुरू करोगे धीरे धीरे यू कैन एबल टू सी द प्लैनेट्स इजिली इन द नाइट स्काई। सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन एबल टू ट्रेस द प्लैनेट इन द नाइट स्काई। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।